सबसे पहले भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना आप लोग कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को वॉच करने आए हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो मैं इस मैच को आपको पक्का जो है विन करवाने देने वाला हूँ, या फिर आप लोग खुद से भी अपनी टीम क्रिएट कर पाओगे, वो भी एक कन्फर्म विनिंग टीम। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन दोनों टीम्स के बीच में जो मैच होने वाला है BCCVS TRA, जो आज के दिन का दूसरा टी20 का मैच हुआ, दोनों टीम्स के हर एक प्लेयर्स के स्टैट्स, रीसेंट फॉर्म और क्या रोल है उनका टीम में, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से अभी से ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में भाई आपको गिव अवे भी मिलेगा 300 रुपये का। तो क्या करना है आपको गिव अवे लेने के लिए, वीडियो में आखिर तक बने रहो। वीडियो के बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इसी मैच के रिलेटेड, आपको उसका आंसर करना है। जिसका भी सही आंसर होगा तो वो बंदा बिल्कुल फ्री में 300 रुपये विन कर जाएगा, साथ में आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ। तो भाई और क्या ही चाहिए, फ्री का नॉलेज भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो में सभी लोग आखिर तक बने रहो। फाइनल टीम और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज सारे मैचेस की फाइनल टीम आपको यहीं पर प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में। और सबसे अच्छी बात जो आप सभी को चाहिए, विनिंग भाई बहुत अच्छा हमारा विन रेट है, बैक टू बैक हम लोग क्लीनशिप कर रहे हैं। कल वाला फर्स्ट IPL भी हमने क्लीनशिप किया, उसके अलावा रात को जो 5th T10 का मैच हुआ था वो भी हमने एक तरफा मेगाशिप किया। उसके बाद हमने भाई साहब सेकेंड IPL में अप टू मिनी ग्रैंड लीग हमने विन किया, और उसके बाद भी हमने फर्स्ट ISL T10 में भी विन किया। आप लोग को मैं सेकंड IPL का टीम दिखाता हूँ, जो भी हमारे चैनल में नहीं हो तो देख लो, ये रही हमारी सेकंड IPL की टीम। और टीम में देखो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अभिषेक शर्मा जो है ओपनिंग कर रहा है, आप लोग ड्रॉप कर दो हैरी ब्रुक को। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको YouTube में बताना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आपको बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तक आपको अपडेट्स ही दूंगा बिल्कुल फ्री में, गारंटी देता हूँ इस बात की। और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन भी जहाँ पे आपको 20-30 शेयर के फ्री गिव अवे देखने मिलते हैं, ठीक है, 24-11-11 चैलेंजर्स और यहाँ से प्लेयर स्पॉट, और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। तो अगर आपको फ्री में अर्निंग करनी हो 1 रुपये भी बिना पे किए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो है ढेर सारे गिव अवेज डेली बेसिस पर प्रोवाइड करता हूँ, 50-60 हज़ार के, तो आपको डेली फ्री गिव अवे देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सभी लोग आके ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स टॉप पर मिल जाएगा। तो भाइयों आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, सीधा बात करते हैं हम लोग टीम की। अभी कोई स्टैट्स या एनालिसिस में दिखाने नहीं वाला प्लेयर्स का, बिकॉज काफ़ी सारे टीम्स के मतलब काफ़ी सारे मैचेस ऑलरेडी दोनों टीम्स के बीच में खेले जा चुके हैं। तो स्टैट्स बताने से भाई वीडियो लॉन्ग होगी और कोई फायदा भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा बात करते हैं प्लेयर्स की कैपेसिटी की और कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। उसके दो ऑप्शन आपको मिलेंगे विकेट कीपर में, पी कुमार सुलीडा और के हुसैन काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहा है, लेकिन हाँ विकेट कीपिंग करता है। सेम यहाँ से पी कुमार ओपनिंग करता है, ओपनिंग नहीं टॉप ऑर्डर बैटिंग करता है, प्लस आपको विकेट कीपिंग करके देगा। स्मॉल लीग में सबसे पहले आप लोग पी कुमार को ले लेना। बैटिंग की बात करूँ, अहमद आवेश एक काफ़ी अच्छा बॉलर बैट्समैन है, 10 बॉल में इसके पास एबिलिटी है 25-30 रन स्कोर कर देने की। जिस भी मैच में बंदा टिक गया 50-60 रन आपको 15-20 बॉल में स्कोर करके दे सकता है, एबिलिटी इतनी है इसके पास। लेके चलना है आपको अपनी टीम में एम सिंह भाई। देखो सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था इसका, उस मैच में इस बंदे ने 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके 3 विकेट लिया, साथ में भाई सेकंड या थर्ड डाउन बैटिंग भी करने आया। तो एज ए ऑलराउंडर प्लेयर आपकी टीम में ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होना चाहिए, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ अपनी टीम में। नेक्स्ट आपको देखिए आर कुमार बांगा, खेला नहीं है, खेलेगा अभी तो बकवास खिलाने, ड्रॉप करना। ए अहमद आपको देखिएगा, अब देखो ये बंदा ना बहुत अच्छा बैटिंग करता है और इसके स्टैट्स भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई जो मेन पॉइंट है इस टूर्नामेंट में इसको कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक दिखा नहीं है, इस वजह से मैं अपनी टीम में अभी के लिए पिक नहीं कर रहा। लेकिन हाँ अगर आप लोग ऐसे एप्लीकेशन में खेल रहे हो जहाँ पर मिनिमम 3 बैट्समैन चाहिए ही चाहिए, तो आंख बंद करना, टीम में ए अहमद को ले लेना। इसके अलावा कोई अच्छा प्लेयर है नहीं नीचे से। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, दारा सिखो आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए, आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग करके देगा, ओपनिंग करके देगा, प्लस आपको 2 ओवर बॉलिंग देगा, और ये बंदा विकेट टेकर बॉलर है। नेक्स्ट मैच है जय सिंह, आपको 2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करके देगा, ये भी काफ़ी अच्छा बॉलर है आपकी टीम में, ये भी होना चाहिए। बी सिंह भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, टीम का कैप्टन है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने जाएगा, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, और भाई बैटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग स्टार्टिंग में डालता है इसलिए थोड़ा विकेट लेस रहता है, स्टिल आपकी टीम में एक नॉर्मल प्लेयर होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट मैच है जे अहमद, आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 ओवर की बॉलिंग करके देगा, दोनों लास्ट के मैचेस में 2-2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करके इसमें टोटल 4 विकेट्स अभी तक निकाले हैं, विकेट टेकर बॉलर है, फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, टीम में ले लेना, अच्छा पिक रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट मैच है जे राम, ये भी आपको 2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करके देने वाला है, और इसका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है, हर मैच में ये बंदा मिनिमम 1 या 2 विकेट्स आपको प्रोवाइड आराम से ये बंदा करके दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट मैच में 1 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, उसके अलावा 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, तो फॉर्म काफ़ी अच्छा है आपकी टीम में, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। नेक्स्ट मैच है लवप्रीत सिंह, आप देखिए, अब देखो किसी मैच में ये बंदा बॉलिंग करता है, किसी मैच में बैटिंग करता है, तो कुछ खास स्टैट्स हैं नहीं, आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। ए सलीम रजा आपको दिखेगा, ये बंदा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, खेल गया, तो मैं आपको इन सभी का स्टैट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, स्टिल खेलने के चांसेस काफ़ी कम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, उससे पहले भैया बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन की, बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि इस वीडियो में 300 का गिव अवे है, जो भी टीम आज पहले बैटिंग करेगी
टोटल कितना रन वो स्कोर करने वाली है, आपको एग्जैक्ट रन बताना है। कुछ रूल्स है वो भी मैं एक बार आपको बता दूं। मैक्सिमम वन कमेंट करना है आपको, दूसरा आपको मैच स्टार्ट होने से ही पहले कमेंट करना है, तीसरा आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं कि आपका वीडियो का मतलब गिवअवे क्वेश्चन आंसर सही हो गया उसके बाद आपने लाइक किया, उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दोगे आपको जो है हैशटैग लगा के ड्रीम टीम से लगाना है, तभी आपका कमेंट एलिजिबल होगा। और जो भी आप आंसर करोगे ना, ऐसा मत लिखना कि फर्स्ट इनिंग टीम बैटिंग इक्वल टू 92 रन। मान लो आपको लगता है 92 रन बनेंगे तो आपको सीधा जो है 92 रन लिख देना है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज भाई आप कितना, आप काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सीधा गिव अवे देखने के लिए आएंगे, ठीक है, तो उन लोगों को क्वेश्चन ना पता पड़ जाए तो इसके लिए उन्हें वीडियो देखना पड़े, ठीक है, यही मेरा मेन मोटिव है। तो आप सभी लोग डायरेक्ट आंसर करना कि 90 रन 91 रन इस तरीके से, ठीक है, कोई भी ऐसे मत लिखना कि फर्स्ट इनिंग टीम बैटिंग स्कोर इक्वल टू 90, ऐसे मत लिखना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी ऐसे लिखेगा उसका भी जो है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। अब देखो एस अली एक बहुत अच्छा बॉलर है, फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल के आ रहा है बंदा, और भाई आपकी टीम में होना ही चाहिए। फॉर्म जिस भी प्लेयर का अच्छा हो रिटर्न जैसे फॉर्मेट में, बिल्कुल से अपनी टीम में ले लो। खुर्रम शहजाद का भी फॉर्म अच्छा है, हालांकि ज़्यादा कुछ खास इसका लास्ट 2 मैचेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ा भाई, लेकिन ओवरऑल प्लेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स को हमेशा बैक करना चाहिए 1-2 मैचेस से, उनको जज मत किया करो कि वो बंदा खराब है या अच्छा है। नेक्स्ट आपको यहाँ से 3 बॉलर दिखेंगे, सी आदिल जो आपको 2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग देगा हर मैच में, नेक्स्ट यहाँ से गुरप्रीत सिंह, ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 ओवर की बॉलिंग देगा, और यहाँ से नेक्स्ट ए साकिब अरशद, ये आपका ट्रम्प हो सकता है बिकॉज दोनों मैचेस में इस बंदे ने 2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग डाली है और सिलेक्शन काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप लोग सेफ जाना चाहो तो सीधा अपनी टीम में सी आदिल को ले लेना। रीज़न क्या है, विकेट टेकर बॉलर तो है ही, साथ में 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देगा। थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो जी सिंह या फिर ए साकिब अरशद को आप लोग ट्राई कर सकते हो। अभी के अपनी टीम में मैं सी अदिल को ले रहा हूँ, और एक काम करता हूँ, मैं खुर्रम शहजाद को ड्रॉप करके यहाँ से मैं ए साकिब अरशद को एज ए ट्रंप ले रहा हूँ अपनी टीम में, ठीक है। रीज़न क्या है भाई, टीआरए का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर ठीक ठाक है, और भाई के शहजाद मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहेगा इस बंदे का इस मैच में, इस रीज़न से मैं यहाँ से खुर्रम शहजाद को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी देखो ये एक प्लेयर है बैटिंग में एम सिंह, इसने बस एक ही मैच में बॉल की है इस टूर्नामेंट में, तो फर्स्ट मैच ये खेल रहा है, ठीक है, अभी जो फर्स्ट मैच चल रहा है ना लाइव में वो मैच ये बंदा प्ले कर रहा है। अगर उस मैच में ये बंदा बॉलिंग करेगा तो मैं इस मैच में भी इसको टीम में लूँगा, अदरवाइज अगर वो बॉलिंग नहीं करेगा फर्स्ट मैच में तो इसके प्लेस पर मैं खुर्रम शहजाद को सीधा अपनी टीम में पिक कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है मेरा कंडीशन पर डिपेंड करेगा और क्या होता है मैच में एक्चुअल में उस पर डिपेंड करेगा। टीम ऑलरेडी हमारी क्लियर हो चुकी है, बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के कुछ ऑप्शंस की। पहले मैं बात करता हूँ ग्रैंडली की, यहाँ से आप लोग 3 बॉलर को ग्रैंडली में सीबीसी ट्राई कर सकते हो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही तो। जे राम को भी ट्राई कर सकते हो, जे अहमद को भी, डीसी को हो, जे सिंह, बी सिंह, ये कुछ बेस्ट ऑप्शन है ग्रैंडली और स्मॉलिंग में सीबीसी के। स्मॉलिंग की बात करूँ मैं अभी के लिए अपनी कैप्टनसी देने वाला हूँ दारा सिखो को, जो आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग प्लस बॉलिंग करके देगा। वाइस कैप्टनसी यहाँ से मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर बलजीत सिंह को देने वाला हूँ, बिकॉज टीम का कैप्टन है, हर मैच में बंदा 2 ओवर बॉलिंग डालता है, हर मैच में फर्स्ट डाउन बैटिंग करना आता है, इसका बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है। सेफ जाना चाहो तो आप लोग जे सिंह को भी ऐसे सीरीज़ ट्राई कर सकते हो, लेकिन कुछ खास बैटिंग से इसका अभी तक फॉर्म नहीं रहा, इस वजह से मैं इसको अपनी सीरीज़ नहीं दे रहा। बाकी आप लोग सेफ जाना चाहो तो जा सकते हो। टीम हो चुकी है मेरी क्रिएट, लेकिन हाँ ध्यान देना ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, इनिशियल टीम है। फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस और लाइनअप्स के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं जो यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं होता, तो वैसे अपडेट्स हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। तो भाइयों सीरियस लोग बात करो और बाकी सभी लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, पहले से ही हमारे फैमिली में 21,000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं, आप लोग भी ज्वाइन करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, और हाँ दबा के बेल आइकन को जूता फेंक के मारो चप्पल फेंक के भाई जो है क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, दुआओं में याद रखना।